हे गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही कलरफुल सी रेसिपी। आज मेरी किचन में बनने जा रही है इडली, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होने वाली है। साथ ही में ट्राई कलर भी होगी, मींस सैफरन, वाइट और ग्रीन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप भी ट्राई कलर इडली इस इंडिपेंडेंस डे जरूर ट्राई कर सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे एक पतीला लिया है, जिसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल पानी गर्म हो रहा है, हम लेंगे सूजी। यहाँ पे जो है सूजी हमने बारीक कर ली है, अगर आपको बारीक मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको पीस सकते हैं। और इसको छान लिया है। अब हमने ली है लस्सी या बटर मिल्क, जिससे कि हमें सूजी को भिगोना है। इसमें बटर मिल्क डालेंगे और बहुत ही अच्छे से सूजी को मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि बटर मिल्क हमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक गाढ़ा सा घोल बन गया है, इसे कवर करके रख देंगे। 5 minutes later. हम देखेंगे कि सूजी जो है बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे पानी भी हमें केयरफुली डालना है और जितनी जरूरत हो उतना ही डालना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सूजी को एक लिक्विड फ्लोइंग बैटर बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इनो। इनो जो है वो इडली में स्पॉन्जीनेस लाने में काम करता है। तो आप देखिए, यहाँ पे करीब मैंने एक इनो का पैकेट डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि हमें सूजी को ओवर मिक्स नहीं करना है। किस तरीके से मैं धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको 3 different पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कलर। सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, जिसे कि मैंने पानी में डाल के डाइल्यूट कर दिया है। इसी तरीके से ऑरेंज रेड, जो कि सैफरन कलर देता है, उसको भी पानी में डाइल्यूट कर दिया है। अब एक पोर्शन में डालेंगे ग्रीन कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बट ध्यान रखिएगा, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और प्रिटी सा ग्रीन कलर आया है। इसी तरीके से ऑरेंज कलर लेंगे और उसको एक और पोर्शन में मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि ऑरेंज भी कितना अच्छा कलर आया है। और एक पोर्शन हमें ऐसे ही रखना है। अब जो सांचा है उसमें हम ऑयल करेंगे और अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब बारी आती है मोल्ड्स को फिल करने की। तो आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी स्पून ली है और उसे बहुत ही केयरफुली सारे ही इडली मोल्ड्स को फिल कर दिया है। सबसे पहले ग्रीन कलर डाला है, उसके बाद एक और चैन लगाया है और जो नेक्स्ट लेयर है वो हमने व्हाइट कलर की इडली से फिल की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब एक और मोल्ड चैन लगाया है और फाइनली इसमें डाला है ऑरेंज कलर की लेयर। और लास्टली हमने एक और इस पे स्टैंड लगाया है और इसमें डाला है तीनों कलर के मैंने मिक्स करके इडली बनाई है। अगर आपके पास इडली स्टैंड या इडली मोल्ड्स नहीं है तो आप इन्हें कटोरी में भी बना सकते हैं और परचेज करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्टैंड जो है वो फाइनली ऑलमोस्ट असेंबल हो गया है। लास्ट में हम इसे नट लगाएंगे और इसे सिक्योर कर देंगे। जो पानी है वो भी बॉइलिंग हॉट हो चुका है। इसमें रखेंगे प्रिपेयर किया हुआ इडली स्टैंड और इसे कवर करके रख देंगे। तो आप देखेंगे करीब 5 to 7 minutes में इडली बनकर परफेक्ट रेडी है। इसमें टूथपिक डाल के चेक करेंगे और इडली नॉन स्टिकी है। ध्यान रखिएगा कि आपको इडली जो है वो हाई फ्लेम पर ही बनानी है। और जब इडली ठंडी हो जाएगी तब हम इसको करेंगे डी मोल्ड। और आप देख सकते हैं कलर जो है कितने अच्छे आए हैं। करेंगे इसको बहुत ही केयरफुली डी मोल्ड। ध्यान रखिएगा, जब तक ये बिल्कुल ठंडी ना हो जाए तब तक डी मोल्ड ना कीजिएगा, वरना तो इडली स्टिकी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने सारी इडली को डीमोल्ड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इडली का कलर आया है और स्पॉन्ज भी बहुत ही अच्छा आया है। फाइनली बारी आती है इसको टेम्परिंग की। इसके लिए हम डालेंगे घी, साथ ही में डालेंगे राई, उसे स्प्लटर होने देंगे, डालेंगे कड़ी पत्ता और इसे भी स्प्लटर होने देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सैफरन और ग्रीन कलर की इडली डाली है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी सैफरन और ग्रीन कलर की इडली इसमें डाल दिए है और बहुत ही जेंटल सा इसको स्टर किया है। जेंटल स्टर करने के बाद अब इसमें मैंने डाली है व्हाइट कलर की इडली भी और इसे भी जेंटल सा स्टर दे दिया है।
ध्यान रखिएगा बहुत ही सॉफ्ट हैंड से स्टर देना है वरना तो इडली टूट जाएगी। और जो इडली है वो बनकर रेडी है। एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चाहे तो चटनी के साथ, चाहे तो सांभर के साथ। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस इडली की रेसिपी को मेरे साथ बना रहा है। मिलती हूँ जल्द ही। टेक केयर।